गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 2 रीड आउट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिक ऑफ हाउ दे ऑब्टेन फूड, कि प्लांट्स को कि वो कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं उस हिसाब से किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है हमारा ग्रीन प्लांट्स। क्या है? ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स। एंड थर्ड है हमारा इंसेक्ट वायरस प्लांट। तो 3 ग्रुप्स में बांटा गया है प्लांट्स को कि वो कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। ग्रीन प्लांट्स मैंने आपको बताए थे कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, उनकी लीव्स ग्रीन होती है तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बना लेते हैं और उनका जो खाना बनाते हैं इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है। और जो इसमें एनिमल्स होते हैं वो हमारे मोस्टली एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो मतलब ग्रीन नहीं होते हैं। ग्रीन नहीं होने से उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड नॉन फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं किस पे, लिविंग ऑर्गेनाइज्म पर, मतलब जो परजीवी होते हैं उनको उनको खाते हैं, या फिर जो डेड या डिकाइंड मटेरियल्स यानी कि जो खराब मटेरियल हो चुका होता है, नष्ट हो चुका होता है, उसको यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे कसाटा, कोरल रूट और इंडियन पाइप। और कोरल रूट और इंडियन पाइप क्या थे, हमारे सेप्रोफेटिटिक्स प्लांट, जो कि हमारे क्या करते थे, डिकाइंग और डेड मटेरियल्स को खाते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका पेज भी ओपन कर दिया है जो है पेज नंबर 2020। इसमें ग्रीन प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में है जो हमने रीड कर लिया था। अब हमारा बच्चा है इंसेक्ट वायरस प्लांट्स। इसको रीड करने से पहले इस पेज पे देखिए नीचे क्या है, एक्नॉलेज ट्री। एक्नॉलेज ट्री के अंदर हमें किसके बारे में बताया गया है, फंगी के बारे में। तो फंगी के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इंसेक्ट वायरस प्लांट के बारे में जानेंगे कि इंसेक्ट वायरस प्लांट किसे कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप पेज भी ओपन कर सकते हैं और वैसे आपकी स्क्रीन पे भी आया हुआ है। तो एक्नॉलेज ट्री में क्या बता रहे हैं, फंगी वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स, दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट्स, नाउ दे बिलोंग टू ए डिफरेंट किंगडम फंगी। मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ फंगी। सम फंगीज आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि फंगी वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स, कि पहले बहुत पहले क्या है कि फंगी को एक प्लांट माना जाता था, पर दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट्स, पर अब उसको प्लांट्स नहीं माना जाता है, अब उसको पौधे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। नाउ दे बिलोंग ए डिफरेंट किंगडम फंगी, अब उसको एक अलग नाम दे दिया गया है फंगी। ठीक है, एक उसका अपना अलग राज्य हो गया, अपना अलग किंगडम हो गया फंगी। मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ फंगी, और इसके उदाहरण क्या है, मशरूम। मशरूम एक सब्जी है एंड ब्रेड मोल्ड, ब्रेड आप सब खाते हो डबल रोटी, तो ब्रेड मोल्ड ये इसके एग्जाम्पल है। सम फंगी आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल, कुछ फंगीज जो होती है हमारे लिए यूजफुल होती हैं, उपयोगी होती हैं, और कुछ जो होती हैं हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल यानी कि हानिदायक होती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या लिखा है नीचे, सम फंगीज ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनाइजम फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगी, दे कॉसेस डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सम अदर फंगीज गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटीरियल्स एंड आर कॉल्ड सेप्रोफेटिसिक्स फंगी। यीस्ट आर ए टाइप ऑफ फंगी दैट आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, दे मेक द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं कि सम फंगी ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनाइजम फॉर देयर फूड, कुछ फंगीज जो हैं वो जीवित, जो लिविंग होते हैं, जीवित जीव होते हैं, ऑर्गेनाइजम होते हैं, उन पे
अपने खाना लेती हैं, अपना प्राप्त करती हैं, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक्स फंगी, और उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक्स फंगी बोलते हैं। दे कॉसेस डिसीज इन प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमंस, ये किसका कारण होती है, बीमारी का कारण होती है, डिसीज मतलब बीमारी, बीमारी के कारण प्लांट्स पौधों में एनिमल्स में और ह्यूमंस में हो जाती है। सम अदर फंगीज गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, और कुछ फंगीज जो होती है वो मरे हुए और खराब, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स मतलब जो नष्ट हो चुका होता है खाना हमारा, खराब हो चुकी होती है चीजें, उन मटेरियल्स पर लगती है और उनको कहते हैं सेप्टोफिटिक्स फंगी। ठीक है, अब यीट्स, यीट्स मतलब खमीर, खमीर उठाते हैं हम, वो भी एक तरह का क्या है, फंगी होती है हमारी। जैसे हम ब्रेड बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, खमीर उठाते हैं, मैदा और में जो भी उसमें इस्तेमाल होती है, तो वो भी एक प्रकार की हमारी क्या है, फंगी है। इससे क्या होता है, ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी बनती है, एकदम सॉफ्ट होती है और थोड़ी स्पंज के समान बनती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे जो कि है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपके स्क्रीन पे भी आ गए हैं। इसमें कुछ और बताया गया है फंगी के बारे में कि हमारे आसपास चारों तरफ किस प्रकार की फंगी होती है। तो सबसे पहले देखिए आप, डस्टी पैचेस फाउंड ऑन ब्रेड चीज एंड बुक्स। अब वो क्या है, डस्टी पैचेस, डस्टी पैचेस की तरह आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ब्रेड, ब्रेड पे कैसे फफूंदी सी आई हुई है ना, उसी को हम फंगी बोलते हैं। तो ब्रेड पे आती है, चीज पे आती है एंड बुक्स पर आती है। जब ब्रेड्स वगैरह पुरानी हो जाती हैं, फ्रिज में रख के रखे खराब होने लगते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ फफूंदी सी आने लगती है, उसी को ही हम फंगी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मशरूम यूज्ड इन कुकिंग, मशरूम उगते हैं, ग्रो होते हैं, वो हम कुकिंग में यानी कि खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है, व्हाइटिश डस्टी मैटर ऑन लेदर प्रोडक्ट सच एज शूज एंड बैग्स इन द रेनी सीजन। जब बरसात का मौसम होता है तो हमारे जो लेदर की चीजें होती हैं कुछ, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है शूज, तो उन पे क्या होता है, एक वाइट वाइट सा पाउडर लग जाता है, तो वो भी क्या कहलाती है, हमारी फंगी ही कहलाती है। फोर्थ है, वुड डिकाइंग फंगी ऑन लॉग्स। आप लकड़ी का थल वो देख रहे हो, एक लकड़ी का रखा हुआ है यहाँ पे मोटा सा लट्ठा, उसके अंदर क्या है, वाइट वाइट सी हमारी फंगी लग गई है। तो वो भी जब मटेरियल्स हमारे, लकड़ी भी खराब होने लग जाती है थोड़े समय बाद, जब उसमें खराबी आने लगती है तो क्या होता है, फंगी यू लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा फंगी के बारे में कि फंगी क्या है, एक्नोलिस्ट्री में यही बताया गया था। अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा चल रहा था कि हाउ दे ऑब्टेन फूड, कि प्लांट्स कैसे हमारा खाना प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट वायरस प्लांट्स, इंसेक्ट वायरस प्लांट्स इसी के नीचे है हमारा टॉपिक, हम रीड आउट कर लेते हैं। सम प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स कैप्चर एंड ईट इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट वायरस और कार्निवोरस प्लांट्स। सच प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स टू कैप्चर इंसेक्ट्स, दीज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक आर आल्सो एबल टू मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स आर वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लैडर वॉर्ट एंड पिचर प्लांट। इन द पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इन टू ए पिचर विद ए लीड टू कैप्चर इंसेक्ट्स। अब इसकी मीनिंग समझाती हूँ मैं आपको कि इंसेक्ट वायरस प्लांट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े। तो सम प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे चारों, वो क्या करते हैं, कैप्चर एंड ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और ईट खा लेते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्ट वायरस और कार्निवर्स प्लांट्स, इन्हें हम इंसेक्ट वायरस प्लांट कहते हैं या कार्निवर्स, कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स टू कैप्चर इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स में स्पेशल फीचर्स यानी कि उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जिससे कि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, आसानी से उनको कैप्चर कर लेते हैं। दीज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे आर आल्सो एबल टू देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और ये प्लांट्स जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल भी होता है। अब क्लोरोफिल होने से क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अपनी कर सकते हैं प्रोसेस, तो उसके द्वारा भी ये खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। इनमें दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं, मतलब ये क्लोरोफिल द्वारा अपने क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से भी खाना बना सकते हैं और इंसेक्ट्स को पकड़कर भी
खा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, संड्यू, ब्लैडर वॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। इन सबकी पिक्चर्स आपको यहाँ नजर आ रही है ब्लैक बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपके आ रही है वीनस फ्लाई ट्रैप की, संड्यू की, ब्लैडर वॉर्ट एंड पिचर। अब पिचर प्लांट जो होता है, पिचर मतलब आपको पता ही घड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं तो मटका टाइप, तो उसका जो लीफ होती है वो इस तरह की मॉडिफाइड होती है, इस तरह की बनी हुई होती है पिचर की तरह, कि वो आसानी से क्या करती है, इंसेक्ट्स को पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन और इंसेक्ट वायरस प्लांट्स और फंगी, इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से जाना। तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ प्लांट, जिसमें हमने अच्छे से रीड आउट कर लिया है सब चीजें। पहले हमने इसमें जाना कि भाई कैसे क्लासिफाइड होते हैं उनके हैबिटेट के अनुसार, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट और उनके टाइप्स के बारे में जाना, और अब हमने उनके खाने के बारे में जाना है। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। पीडीएफ के द्वारा मैं आपको वर्क भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।